बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आता हूं। दोस्तों, ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा धार्मिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूं अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम जी के वहां, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है यहां पर आकर। और यहां पर मैं आपको बता दूं टाइमिंग 6 बजे यहां पर मंदिर जो है बंद हो जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा तेज तेज जा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अभी मैं फास्ट मोशन में वीडियो बना रहा हूं, आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा फर्स्ट टाइम है यहां पर आने का, तो अब यहां पर आते रहेंगे, मतलब एक दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है अगर आप यहां पर आते हैं प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए। अयोध्या नगरी मतलब कह सकते हैं एक मतलब सपना पूरा हो गया। एक यहाँ अगर आप आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दशरथ महल के पास। तो हमारे साथ में है संदीप भाई, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है दशरथ महल, जो कि मैं भी इसके अंदर जाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है महल, और मतलब दिल को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला यहाँ पर आके। और मैं और भी जगह जाने वाला हूँ, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर है, भगवान का वास है जहाँ पर। हेलो संदीप भाई, फिर से आ गए हमारे बीच में, तो बहुत ही स्माइलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो इन्हीं के साथ आना हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर मंदिर आने का, जो कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जहाँ पर क्या हुआ था जन्म हुआ था। हाँ हाँ, पता है संदीप भाई को। चलिए आकर लेकर चलते हैं आपको। चुके दशरथ महल के अंदर, यहाँ की लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर महल। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, आना क्या चाहते हैं, जरूर आइएगा। गाइस, हम यहाँ दशरथ महल के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। तो हम दशरथ महल के अंदर आए, तो यहाँ पर सूर्या भैया देखो फोटो शूट कर रहे हैं अभी। ये रहे iPhone 12, ये रहे हमारे संदीप भैया। जय श्री राम। भवन यहाँ पर, तो मैं इधर ही जाने वाला हूँ, और यहाँ पर कनक भवन की तरफ हम लोग जाएंगे। हमारे साथ में है संदीप भैया और सूर्या भैया, तो दो लोग पीछे ही हैं। तो ये गली है, जाती है कनक भवन की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है अम्मा जी की रसोई, 70 रुपए पर थाल यहाँ, अगर आपको भूख लगी है। जब आप कनक भवन के अंदर एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर बनारसी पेड़ा भंडार आपको देखने मिलता है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और हम आ चुके हैं कनक भवन के अंदर, श्री कनक भवनेश्वर महादेव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा, और जो मेन भवन है ये रहा, और उसी के अंदर हम जाने रहे। उसके बाहर ये कुछ दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारे सूर्या भैया आगे जा रहे हैं, और संदीप भैया भी हैं। ये रहा हमारा कनक भवन, मतलब एक सौभाग्यशाली हैं हम कि यहाँ पर मुझे आने को मिला और ये सब देखने को मिला। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, कि जो अयोध्या में मैंने विजिट किया यहाँ पर।
फाइनली गाइस हम यहाँ पर कनक भवन के अंदर आए, तो यहाँ पर मुझे एक स्पेशल आपको बात बतानी है जो कि बहुत ही खास है। अगर आप कनक भवन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर चरण पादुका सीता जी की है, यहाँ पर मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर चलता हूँ। सूर्य जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाने का कष्ट करें। यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर प्रसाद मिलता है, यहाँ पर बिना प्रसाद लिए ना जाना यहाँ से। चावे कस्ता साकी तांसर के तारे मी इन्हें जा फाल्टा porque la última vez। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें लगी हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डेकोरेट करके रखा गया है। यहाँ पर हर एक सामान मिल जाता है, यहाँ पर देखिए चूड़ी भी मिलती। यहाँ पर आप कितने दिनों से दुकान लगाए हैं, यहाँ पर कितने दिनों से दुकान लगाए हैं अयोध्या मंदिर में? यहाँ पर दो तीन सालों से यहाँ पर दुकान लगी है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जितनी दुकानें लगी हैं तो दो तीन सालों से ही लगी हैं या बहुत पहले से लगी हैं? कितने लगभग कितने साल हो गए? 10-12 साल से मैम कह रही हैं कि 10-12 साल से यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं, तो ये 2-3 साल से ही कर रही हैं। यहाँ पर हर एक सामग्री मिल जाती है, सिंदूर बिंदी जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, हर एक मतलब कह सकते हैं ना हर एक प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जय श्री राम। बहुत ही परेशान हो चुके दो बालक यहाँ पर, देखे सूर्या भैया सिंघम जिनका नाम है, हम कहते रहते हैं, और यहाँ पर जूते कहाँ है तुम्हारे यार, नंगे पैर यहाँ पर संदीप भैया चल रहे हैं अयोध्या मंदिर। तो मतलब मंदिर में आकर कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब दिल को सुकून मिलता है। सूर्या भाई कह रहे हैं कि हमारे फोन की बैटरी जो है 13% बची है, वो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर बेसिकली उनको बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि तुम्हारा कौन कितनी बार यहाँ पर आ चुके हो सूर्या? दूसरी बार ये आ चुके हैं यहाँ अयोध्या नगरी में, मेरा फर्स्ट टाइम है, और इनके साथ आकर मुझे बहुत ज्यादा मतलब टाइम पता ही नहीं चलता, इतनी फ्रेंडली पर्सन है। इनकी स्माइल देख रहे हैं एकदम जहर है जहर, और संदीप भैया तो स्माइल करते हैं कुछ समझे में नहीं आता है कहाँ चले जाते हैं। संदीप भाई अयोध्या नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आज तो कम है लेकिन कल से यहाँ पर मेला चलने वाला है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब पैर रखने की जगह नहीं बचती है। तो हम आज हनुमान जी से मिलने के लिए आ गए हैं अयोध्या नगरी, जो कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे बहुत सारे और दशरथ महल, बहुत सारे यहाँ पर महल भी हैं, मंदिर भी हैं, गढ़ी भी हैं। तो यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं गढ़ी के अंदर, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये रहे। तो हनुमानगढ़ी के मंदिर के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहे श्रद्धालु, यहाँ पर बहुत ही तादाद मात्रा में यहाँ पर आते हैं। फोटो तो लीजिए मंदिर का। जब हम यहाँ पर हनुमानगढ़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर हनुमान चालीसा और आरती हनुमान जी की यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब पूरा हनुमानमय। और ये हमारे संदीप भाई यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये रही हनुमान चालीसा। कुछ ऐसा अंदर का सीन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर के प्रांगण के अंदर, पर ऊपर आ सकते हैं। श्री नरसिंह मंदिर, श्री संकट मोचन, श्री हनुमान जी, बोलो जय हनुमान। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पर हनुमानगढ़ी से वापस जा रहे हैं, अभी जाएंगे तीर्थ स्थल पर। तो हमारे साथ में और भी दोस्त हैं लेकिन मैं अभी अकेला हूँ यहाँ पर, मैंने प्रसाद लिया था और हनुमानगढ़ी को मैंने चढ़ा दिया, यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया था, और इधर हमारे जूते रखे हैं,
यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू है आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही भक्तगण यहाँ पर आते हैं। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं तीर्थ स्थल पर, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर सरयू नदी है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज ये रहा ओवरब्रिज, और यहीं से पानी जो है जहाँ पर तीर्थ स्थल बना हुआ है वहीं पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखते थे बहुत सारी लाइटिंग दिखाई गई थी, तो तीर्थ स्थल के पास में ही यहाँ पर दिखाया गया था, मैं वहां पर आपको लेकर जाने लो इस नदी से, यहाँ पर मैं बता दूं यहाँ पर इस नदी से पानी अंदर ले जाया गया है। पर गैस LCD लगी है, यहाँ पर प्रभु श्री राम, यहाँ पर लव कुश का जो है कुछ सीन दिखाया जा रहा है, जैसे अवध में ऐसा एक दिन आया। पहली गैस हम लोग अयोध्या से वापस आ रहे थे, तो यहाँ पर एक बीच है दाल बड़ी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। ये कितने की देते हैं आप? 10 रुपए की। बहुत महंगी चाय भी नहीं है कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बार्गेनिंग करी है तब भी 10 रुपए की चाय भले ही मिल गई है। तो अब हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ, यहाँ पर कहाँ पर पहुंचे अभी संदीप भैया बताएंगे, संदीप भैया बताएंगे कहाँ पर पहुंचे। और अपनी गाड़ी दिखा दो, ये इस गाड़ी से हम कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपनी अल्टो रही छोटी सी 800। तो संदीप भैया से मैं कहूँगा आधी चाय हमने पी ली है और आधी चाय संदीप भैया पी लेंगे, पी लीजिए। संदीप भाई कहाँ गए, दिख नहीं रहा संदीप भाई, देखो अपना चेहरा छिपा रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है, हम लोग अयोध्या से आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर हम लोग पेट्रोल डला रहे हैं, और ये हमारे सूर्या भाई रहे, हाय कर दीजिए। तो मैं ड्राइवर साहब से ही पूछना चाहूंगा कि मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ, तो ड्राइवर साहब खोल नहीं रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो मैं दिखा दूं मैं किस गाड़ी से गया था, ये रही हमारी मारुति 800, बहुत ही गजब की गाड़ी है, आपको देखने को मिल जाएगी। अरे क्या बताएं आपको, बहुत ही अच्छा सफर रहा, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइव करते हैं भाई साहब। हाँ हाँ फिर से चेहरा देखने को मिल गया, आ जाता हूँ। नॉट ए ड्राइवर, इसीलिए बुलाया। बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट। तो कौन सी लोकेशन पर हम आ चुके हैं? I don't know अबाउट दिस प्लेस। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने पेट्रोल डला लिया है, वहाँ पर गाड़ी हमारी खड़ी है मारुति 800। तो अब हम लोग लखनऊ के लिए जाने वाले हैं, वहीं पर हम लोग ब्लॉग एंड करेंगे। हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमें भाग रहे हैं, छोड़ कर देखिए भाग रहे हैं, और इनका मोबाइल मेरे पास है, मैं पकड़ने की कोशिश कर तो गाइस मैंने गाड़ी पकड़ ली है। कहाँ है हमारी गाड़ी? है थैंक गॉड, ये हमारे सूर्या भाई। अरे यार, आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों आज मैं गया था अयोध्या, जो कि मैंने आपको भगवान श्री राम जी के दर्शन कराए वहां पर, और हम लोग वापस आ चुके हैं लखनऊ। तो अभी टाइम काफी हो चुका है, 12 बज चुका है रात का, और हमारे साथ गए थे सूर्या भाई, वो रहे हाय कर दीजिए। तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और यहाँ पर अगर हमको हमारे ब्लॉग्स पसंद आए थे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।